ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया बेटा, इट रिप्रेजेंट सेचुरेशन और अनसेचुरेशन। क्या अगर आपके पास कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है तो उसका क्या यूज करेंगे आप, ANE। डबल बॉन्ड है तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। अब इनका क्या मतलब है, डाईन डाई YNE, तो इसको ऐसे याद रखना है क्या कि अगर आपके पास टू डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, डाई ENE, है ना। टू ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, डाई YNE, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है कौन सा, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के जस्ट बाद आप क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स का क्या मतलब होता है, इट इज यूज फॉर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि आपके पास ये कोई कंपाउंड है CH3 CH2 OH CH3 CH2 OH, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो इस कंपाउंड में बेटा कितने कार्बन है, हमारे पास टू, कितने कार्बन है इसमें, टू। इसका वर्ड रूट तो क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन को ना, तो यहाँ पे टोटल कार्बन टू, तो वर्ड रूट टू कार्बन के लिए क्या होता है, ईथ, ठीक है। यहाँ पे वर्ड रूट क्या हो गया इसका, एथ। अच्छा यहाँ पे सभी बॉन्ड क्या है, हमें सिंगल दिख रहे हैं। अगर सभी बॉन्ड सिंगल है तो आप क्या यूज करेंगे, वर्ड रूट के जस्ट बाद आप क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स ना, और प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है, ANE। इसको क्या लिख देंगे आप, ईथेन, तो ईथेन, ठीक है। और लास्ट पार्ट यहाँ पे अभी हमें क्या दिख रहा है, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे बोला है इसने कि प्रिंसिपल जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका आप क्या यूज करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। हर फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं अल्कोहल, इसका सफिक्स क्या होता है, ओल। इसको क्या बोलेंगे, इथेनॉल। इसको क्या बोलेंगे, इथेनॉल। तो ओल यहाँ पे क्या हो गया इसका, सेकेंडरी सफिक्स। ईथ क्या हो गया यहाँ पे इसका, वर्ड रूट। और ANE यहाँ पे क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स। समझा, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है क्या, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स हम लिखते हैं वर्ड रूट से जस्ट पहले, और ये प्राइमरी प्रीफिक्स फिक्स होता है, साइक्लो, CYCLO। साइक्लो हमारे पास जो प्राइमरी प्रीफिक्स है, ये सिर्फ किन कंपाउंड के लिए यूज करेंगे, जो कि साइक्लिक कंपाउंड है, ना। यानी कि हमारे पास जो ए साइक्लिक कंपाउंड है वहां पे प्राइमरी प्रीफिक्स हम यूज नहीं करते। कि सर अभी अभी तो आप बोल रहे थे कि हर कंपाउंड में यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे अपन, बट कंपाउंड अगर साइक्लिक है ही नहीं ना तो ये क्यों लिखेंगे अपन, समझ में आ रही है। जैसे कि जनरली अगर हम जनरलाइज अगर बात करें तो हमारा जो ह्यूमन स्पीसीज में जो नेम होते हैं तो उसमें तीन पार्ट होते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम। बट जरूरी नहीं है ना कि सभी के नेम में मिडिल नेम हो, है ना। किसी कई पर्सन का जो नेम होता है सिर्फ टू वर्ड्स का होता है ना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो मिडिल नेम नहीं होता। तो उसी तरह से यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सीक्वेंस यही रहेगा, एक सेकेंड, प्राइमरी सफिक्स में डाई ई यानी नहीं समझा, अच्छा उसको कवर करते चलो, पहले इसको मैं कवर कर देता हूँ फिर वापस से उस पर चलते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स किसके लिए यूज करते हैं बेटा, साइक्लिक कंपाउंड के लिए। प्राइमरी जो प्रीफिक्स है हमारे पास वर्ड रूट के जो पहले लिखते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, साइक्लिक कंपाउंड के लिए। बट मान लें हमारे पास ए साइक्लिक कंपाउंड है, जैसे कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये कोई कंपाउंड है मेरे पास, तो साइक्लिक कंपाउंड है क्या, नहीं, तो फिर यहाँ पे इसके लिए साइक्लो नहीं लिखेंगे अपन। बट मान लें मेरे पास इस तरह का कोई कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, तो हमें पता लगना चाहिए ना कि ये कंपाउंड साइक्लिक है, क्योंकि कंपाउंड साइक्लिक है तो हमें उसके नेम में इसको डिनोट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, साइक्लिक। जैसे कि इस वाले कंपाउंड की ही बात कर लेते हैं ना अपन, इस कंपाउंड में बेटा तीन कार्बन है, इसका वर्ड रूट तो क्या होगा, प्रोप। तीन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, प्रोप। बट प्रोप के आगे हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसका प्राइमरी प्रीफिक्स, क्योंकि कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है, और साइक्लिक कंपाउंड के लिए प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, साइक्लो। यानी कि यहाँ पे ये वाला पार्ट तो क्या डिनोट करेगा, साइक्लो, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोप। तो साइक्लो, प्रोप, और आपको दिख रहा है इसमें सभी बॉन्ड सिंगल है, बॉन्ड लाइन में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे अपन। जैसे कि यहाँ पे अगर लेट सपोज सभी बॉन्ड सिंगल है ना, इसको क्या यूज करेंगे, साइक्लो प्रोप एन। इसका आपको नेम का भी आइडिया होगा, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, साइक्लो प्रोप एन ना, समझ में आया उसको किस तरह से डिनोट करते हैं। साइक्लो तो हो गया उसका प्राइमरी प्रीफिक्स,
प्रोप हो गया उसका वर्ड रूट। सभी बॉन्ड सिंगल थे इसलिए हमने क्या यूज किया, प्राइमरी सफिक्स, और सिंगल बॉन्ड थे इसलिए हमने क्या यूज किया वहां पे एएनई। तो उस कंपाउंड का पूरा नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, किसी स्टूडेंट को इसमें कुछ डाउट था कि सर ये डाइईन पॉलीईन और इसका क्या सेंस है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देख मेरे पास हमारे ये कोई कंपाउंड है, 4 कार्बन है इसमें। ठीक है, अब यहां पे हाइड्रोजन में फिल नहीं कर रहा हूं फिलहाल। ठीक है सर, व्हाट अबाउट सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स हम यूज कर, अभी नेक्स्ट स्लाइड में बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिलहाल इस पे किसी ने डाउट पूछा था तो उसको कवर कर रहे हैं अपन, डाइईन और डाईवाईएनई को। तो लेट सपोज हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन फिल नहीं कर रहे ना, जैसे कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 एंड सो ऑन। बट अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितने हाइड्रोजन रहे होंगे बोलो अभी, 2, क्योंकि 2 बॉन्ड बना रखे ना इसने, 2। यहाँ पे देखो इसने 1, 2 और 3 बॉन्ड बना रखे, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन रहा होगा, सिर्फ 1। ठीक है, अब अगर यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना पुट कर देंगे अपन, 2, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन पुट कर दिया अपन ने, सिंगल बॉन्ड बना रखा है ना, तो कितने हाइड्रोजन रहेंगे बेटा यहाँ पे, 3। एक तो ये हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, और एक दूसरा कंपाउंड में लिखा है मैंने यहाँ पे इस तरह से, इसमें भी टोटल कितने कार्बन है, 4। ऊपर वाले कंपाउंड में भी टोटल कार्बन कितने हैं, 4। ऊपर वाले में यहाँ पे सिर्फ एक डबल बॉन्ड है ये वाला, इस वाले कंपाउंड में मैंने क्या किया, 2 डबल बॉन्ड रख दिए दिस, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, और अब यहाँ पे हाइड्रोजन फिल कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गया बेटा, 2। यहाँ पे देख इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे, 3 ना, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन रहा होगा, सिर्फ 1। अच्छा यहाँ पे भी कितना हाइड्रोजन रहा होगा, सिर्फ 1। जो लास्ट क्लास में अपन सीख चुके हैं, जो न्यू स्टूडेंट मुझे लग रहा है शायद इसमें है, तो वो इसका रिकॉर्डिंग देखें प्रीवियस ना, कि सर ये 1 हाइड्रोजन यहाँ पे क्यों रखा, 2 क्यों रख रहे हैं, है ना, प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके। यहाँ पे देखिए इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 4 बॉन्ड बना रहे थे ना, तो मैक्सिमम हाइड्रोजन यहाँ पे कितने रहेंगे बेटा, 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस कंपाउंड में भी 4 कार्बन है, इस कंपाउंड पे भी 4 कार्बन है, तो इस कंपाउंड का भी वर्ड रूट क्या हो गया, ब्यूट। इसका भी वर्ड रूट क्या हो गया, ब्यूट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा, और इस कंपाउंड का भी वर्ड रूट क्या हो गया, ब्यूट। ठीक है, अब वर्ड रूट के जस्ट बाद हमें क्या डिनोट करना होता है, प्राइमरी सफिक्स। अच्छा यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है कंपाउंड में, तो प्राइमरी सफिक्स इसका क्या यूज करूंगा मैं, ईएनई। प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करना है मेरे को, ईएनई, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ब्यूट, फिर क्या लिख देंगे बेटा, ई एन ई। इसमें भी हमारे पास है डबल बॉन्ड, तो यहां पे भी प्राइमरी सफिक्स हम क्या यूज करेंगे, ई एन ई। ठीक है, कि सर दोनों में फिर डिफरेंस क्या रहा, आप क्वेश्चन पूछेंगे ना कि यहाँ पे भी ब्यूट ई एन ई लिखा और यहाँ पे भी ब्यूट ई एन ई लिखा, जबकि सर इसमें तो सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, तो उस कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड है तो उसके नेम में भी हमें उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मुद्दे की बात यह है। तो अगर 2 डबल बॉन्ड है ना बेटा, तो 2 डबल बॉन्ड को हम क्या लिखेंगे, डाई ई एन ई, यानी कि ई एन ई जो हमारे पास वर्ड है उसके आगे क्या लगा दिया हमने, डाय। ठीक है, क्या लगा दिया उसको, डाय ई एन ई। लेट सपोज हमारे पास किसी कंपाउंड में मोर देन 2 डबल बॉन्ड है, अगर 3 है तो उसको क्या लिखेंगे, ट्राई, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, ट्राई। 4 अगर हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, तो उसको क्या लिखेंगे, टेट्रा ई एन ई। ठीक है, एंड सो ऑन। तो पॉली ई एन ई का क्या मतलब है, कि प्लेंटी ऑफ डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट। 2 डबल बॉन्ड है तो डाई ई एन ई, 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राई ई एन ई, 4 डबल बॉन्ड है तो टेट्रा ई एन ई। समझ में आ रहा है बात, उसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी ये बात डिफाइन है। चैट बॉक्स में लिखा है किसी ने, इट इज बेसिक बट इंपॉर्टेंट विच वी स्टडी, और इंपॉर्टेंट विच वी ऑल स्टडी। तो आप क्या बोलना चाह रहे वेदांत, इसको नहीं कवर करे, मतलब क्या कवर करना है इसमें अपने को? देखो आपको अभी लग रहा है कि बहुत बेसिक है, बट बेसिक से भी कई बार क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा है ना बेटा, सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड सिर्फ अपन कैलकुलेट कर रहे थे, तो जेई में पूछा है ये क्वेश्चन, जेई मेंस में। वेदांत क्या बोल रहे हैं आप, आपको तो लग रहा होगा कि सर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते क्या, जेई के पेपर उठा के देखो ना, है ना। उन्होंने बोला है कि इस कंपाउंड में, एग्जैक्टली नहीं कंपाउंड में डिफाइन करा,
बट बोला है इस कंपाउंड में कि टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करके आप आंसर करें, यही में पूछा इवन। तो इजी और टफ तो कुछ होता नहीं है, सिर्फ हमारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसीलिए हम बेसिक से कवर कर रहे हैं, फिर हम डिटेल में तो जाएंगे सही वैसे आगे, ठीक है। फिलहाल फिलहाल नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सबसे पहले हमने यही जो यूपीएससी जो था हमारे पास सीक्वेंस, सबसे पहले क्या लिखा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, ये हम सब्सिक्वेंट्स के लिए लिखते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके लिए यूज करते हैं, सब्सिक्वेंट्स के लिए। अब सब्सिक्वेंट्स क्या होते हैं और जूनियर फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, इसको तो थोड़ा पेंडिंग ही रखो, सिर्फ सब्सिक्वेंट यहाँ पे बात करें अपन कि सब्सिक्वेंट का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, अच्छा मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको आइडिया लगेगा अभी कितने इसमें कार्बन है। मेरे को पहले एक बार चैट बॉक्स में लिखो ना कि इसमें टोटल कार्बन कितने हैं अभी कंपाउंड, चैट बॉक्स में आंसर लिखें। ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंट किया है मैंने, चैट बॉक्स में आंसर लिखें इसका, इसमें टोटल कार्बन कितने हैं। आंसर लिखा है 6, 6, 6, 6, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैक्सिमम स्टूडेंट का करेक्ट है। इसमें टोटल कार्बन कितने बेटा, 6 है, ठीक है। अच्छा बॉन्ड लाइन आपको समझ में आता है, फिर अच्छी बात है। तो मान लो हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, इसमें टोटल कार्बन हमारे पास अभी कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस तरह का एक कुछ दूसरा सब्सटेंस दिख रहा है, जैसे कि लेट सपोज यहाँ पे क्या लिखा है, Br लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये Br। तो हमारे पास जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक अलग हमारे पास एक ग्रुप आ गया है, इस इन तरह के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सब्सिट्यूएंट्स बोलते हैं। सब्सिट्यूएंट का डेफिनेशन क्या होता है कि सब्सिट्यूएंट आर दोज विच आर नॉट इन द मेन चेन, सब्सिट्यूएंट आर दोज विच आर नॉट इन अ मेन चेन। आपको फिर एक वर्ड यूज किया है यहाँ पे मैंने, मेन चेन। तो जस्ट अब स्टार्ट करने वाले अपन की मेन चेन का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, ठीक है। फिलहाल मैं थोड़ी देर के लिए बता रहा हूँ कि इस कंपाउंड में बेटा ये मेन चेन है जो मैं ब्लैक से वो किया हूं, इस कंपाउंड में ये क्या है, मेरी मेन चेन है। इस मेन चेन में कितने कार्बन आ गए, 5 कार्बन आ गए इसमें, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, कितना 3 यहाँ पे, कितना 4 और यहाँ पे कितना 5। तो इस कार्बन इस कंपाउंड में मेन चेन में 5 कार्बन आ गए। अब ये जो एंटिटी है Br, ये मेन चेन में नहीं रहा ना, तो इस Br को हम क्या बोलेंगे, सब्सिट्यूएंट। इस Br को क्या बोलते हैं, सब्सिट्यूएंट। यानी कि सब्सिट्यूएंट पहचान आया आपको क्या, कि मेन चेन के बाहर जो भी एंटिटी अवेलेबल होता है उस सब एंटिटी को क्या बोलते हैं आप, सब्सिट्यूएंट। इस केस में Br है, तो Br का अच्छा जो सब्सिट्यूएंट होता है ना, तो इनके फिक्स नेम भी होते हैं, जैसे कि एल्कोहल जो हेलोजन होता है ना, हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं अपन जनरली X से, हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं अपन जनरली X से। एक सेकंड, हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं अपन जनरली X से। अच्छा हेलोजन क्या क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर फ्लोरीन है कंपाउंड में तो उसको क्या लिखेंगे, फ्लोरो। हेलो जनरली उसको क्या लिखा है, हेलो। जैसे कि यहाँ पे इस केस में क्या है, Br है, तो Br का मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। Br का क्या लिखना पड़ेगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अच्छा Br के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, हेलो ना, तो हेलो की जगह Br का ब्रोमो। तो अगर यहाँ पे Br है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ब्रोमो। अगर फ्लोरिन होता तो क्या यूज करते हैं, फ्लोरो। फ्लोरिन होता तो क्या यूज करते हैं यहाँ पे, क्लोरो, ठीक है। इनको अभी ज्यादा डिटेल में नहीं अपन स्टडी करते कि सर इनका क्या क्या मीनिंग है, सिर्फ इतना सा आइडिया लो कि सेकेंडरी प्रीफिक्स का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, कि सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज्ड फॉर सब्सिट्यूएंट एंड जूनियर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और सब्सिट्यूएंट क्या होते हैं, कि वो एंटिटी जो कि मेन चेन से बाहर होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, सब्सिट्यूएंट। ये वाला पार्ट में भी अपन कवर नहीं कर रहे, चैट बॉक्स में किसी ने लिखा है, एक सेकेंड, अच्छा नेक्स्ट, ये अपने आप से नेक्स्ट से इस डिस्कनेक्ट हो जाता है ना आफ्टर 9 मिनट, तो आप दोबारा से ज्वाइन करेंगे, अच्छा ठीक है।
ठीक है हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो अभी एक वर्ड यूज कर रहे थे अपन इनिशियली भी कि मेन चेन, तो एक्चुअली मेन चेन होता क्या है? तो हमारा एक्चुअली में जो रूल है अब से स्टार्ट हो रहे बेटा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में, मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको डिफाइन किया था कि देर आर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स है ना, कि उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं किसी भी कंपाउंड का नेमिंग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो उस रूल्स को अब से हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम बात करें कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन और मेन चेन किस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके कुछ सेट ऑफ यहाँ पे रूल हैं, उनको वन बाय वन अपन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट रूल होता है हमारे पास क्या कि पेरेंट चेन या मेन चेन कौन सी होगी, कि कोई भी हमारे पास कंपाउंड है पेरेंट चेन या मेन चेन वो होगी जहां पे मैक्सिमम नंबर हो हमारे पास क्या हो कार्बन एटम हो, है ना। लॉन्गेस्ट चेन विल बी आवर मेन चेन, जैसे कि इसमें तो कुछ खास डिनोट नहीं किया है, जैसे कि हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, मैं लिख रहा हूं जैसे कि ये कोई हमारे पास कंपाउंड है। ठीक है, अब इसमें बोला है कि मेन चेन कितनी है, जो वर्ड रूट याद आ रहा है किसी को कि वर्ड रूट का एक्चुअली मीनिंग क्या था कि हमारे पास मेन चेन में कितने कार्बन है। जैसे कि मैं ब्यूटेन का एग्जांपल दिया था कि मेरे पास लेट सपोज किसी कंपाउंड की मेन चेन में फोर अगर कार्बन है, फोर कार्बन है, तो उसका वर्ड रूट क्या होगा ब्यूट। तो वर्ड रूट किसके बेसिस पे डिफाइन है, मेन चेन के बेसिस पे। तो हम ये तो समझे कि मेन चेन का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो मेन चेन ये हमारे पास कोई लेट सपोज कंपाउंड है, अब इसमें मेन चेन क्या हो जाएगी। तो आईयूपीएसी ने क्या बोला हमसे कि किसी भी गिवन कंपाउंड में मेन चेन वो होगी जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। तो देखो यहाँ पे मेन चेन सेलेक्ट करने के क्या क्या मेथड है, लेट सपोज। अच्छा, मेन चेन का हमेशा मतलब याद रखेंगे किसी एक एंड से शुरू करके दूसरे एंड पे जाना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे लेट सपोज इस एंड से शुरू किया मैं और कहां तक चले गया हम, यहां से हमने स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड हो गया अपना इस तरह से। तो हो सकता है मेरी मेन चेन ये हो, अगर ये मेन चेन सेलेक्ट किया हमने तो इसमें कार्बन कितना है बेटा, फोर, वन टू थ्री और फोर, ये तो मेन चेन से बाहर रहेगा ना, ये मेन चेन से क्या हो गया इस केस में बाहर हो गया। एक और इसमें मेथड है हमारे पास मेन चेन सेलेक्ट करने का, वो ये ग्रीन वाला। हम क्या करें, यहां से मैं क्या बोला मेन चेन क्या होती है किसी एक एंड से शुरू करके दूसरे एंड पे खत्म करना है आपको, तो यहां से स्टार्ट किया और यहां पे चले गए आप इस तरह से। तो अगर ग्रीन वाली अगर आपने मेन चेन कंसीडर किया तो बोलो इसमें कितने कार्बन आ गए आपके पास, वन टू थ्री फोर फाइव। तो अगर ग्रीन हमारे पास मेन चेन लिया तो कितने कार्बन आए हमारे पास, फाइव। बोलो अगर हमने ब्लू वाली मेन चेन कंसीडर किया है, ब्लू तो मेन चेन में कितने कार्बन आए बेटा, फोर। तो हमारे पास दो ही कंडीशन बन सकती है, एक में मेन चेन में कार्बन आ रहे फोर, एक में मेन चेन में आ रहे कितने, फाइव। तो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी कौन सी मेन चेन करेक्ट है हमारे पास या पेरेंट चेन करेक्ट है हमारे पास, ग्रीन वाला। ठीक है, यानी कि यहां पे वर्ड रूट, आपके पास वर्ड रूट सेलेक्ट करने के दो मेथड है ना कि सर ब्यूट यूज करूं कि फाइव कार्बन का वर्ड रूट होता है पेंट, तो ब्यूट यूज करेंगे कि पेंट यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी इसमें करेक्ट मेन चेन कौन सी है, फाइव कार्बन वाली। ठीक है, चैट बॉक्स में किसी ने लिखा है फाइव ग्रीन, हाँ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ये फर्स्ट आईयूपीएसी का रूल अपन ने देख लिया है। सेकंड रूल यहाँ पे क्या है कि इफ अगर हमारे पास मेन चेन में कार्बन एटम सेम होते हैं तो हम क्या देखते हैं, मोर नंबर ऑफ सब्सिट्यूएंट। सब्सिट्यूएंट का मतलब समझ गए आप क्या, कि जो भी मेन चेन होता है उसके बाहर जो भी एंटिटीज रिमेनिंग रहती है उसको क्या बोलते हैं, सब्सिट्यूएंट रहते हैं। जैसे कि आप एक ये कोई कंपाउंड गिवन है दिस वन, अच्छा अगर ये जो ब्लैक हमने कंसिडर किया है कि मेन चेन है, तो मेन चेन में देखो कितने कार्बन आए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इसकी मेन चेन में कितने कार्बन है भी, सेवन है ना। अच्छा ये अगर मेन चेन है तो बेटा ये वाला जो पार्ट है ना दिस कार्बन और ये कंप्लीट दोनों, इनको क्या बोलेंगे, सब्सिट्यूएंट। सब्सिट्यूएंट यहां पे कितने, टू है, एक तो ये पूरा सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है ना यहाँ पर ये वाला, एक तो सब्सिट्यूएंट हो गया ये और एक सब्सिट्यूएंट हो गया ये। इसका सब्सिट्यूएंट क्या होता है, तो अभी अभी हमने सीखा था कि अगर ये मेन चेन है आपके पास ये वाली, तो मेन चेन के बाहर जो भी एंटिटी होती है ना, जैसे कि यहाँ पे ये वाला कार्बन रह गया, एक्चुअली में यहाँ पे इसने कंप्लीट नहीं लिखा बट यहाँ पे क्या रहा होगा बोलो, CH3 रहा होगा है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं फिल किया है इसने, क्योंकि वो अपन सीख चुके हैं कि बाय डिफॉल्ट
कितने कितने हाइड्रोजन रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कहाँ गया अपन, ये अगर मेरी मेन चेन है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो गया, सब्सिट्यूएंट, ठीक है। अच्छा मेन चेन में कितने कार्बन है, 7 कार्बन, मेन चेन में कार्बन कितने बेटा, 7। अच्छा सब्सिट्यूएंट कितने यहाँ पे, 2 है, एक तो ये कंप्लीट और ये एक कंप्लीटली, इसको बोलेंगे सब्सिट्यूएंट। इसमें एक और मेथड था जहां पे हम मेन चेन सेलेक्ट कर सकते थे, कौन सी वो देखते अपन, शायद से ये वाली, देखो। अच्छा अगर ये वाली, ये भी मेन चेन सेलेक्ट हो सकती है ना, कैसे सर, कि एक एंड से शुरू करना है, यहां से शुरू किया और किसी भी एंड पे खत्म करते हैं, अब ये भी तो एक तरह का एंड ही है ना, तो किसी भी एक एंड से शुरू किया और इस एंड पे खत्म कर दिया, तो ये भी मेन चेन हो सकता है, हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC की सर ब्लू वाला करेक्ट है मेन चेन की, रेड वाला तो समझते हैं, इसमें कितने कार्बन है बेटा रेड में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, रेड में भी कितने कार्बन है, 7, ब्लू में भी कितने कार्बन थे, 7। अब अगर तो सेकंड रूल यहां पे यही है कि अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपके पास दो चेन हो जिसमें कार्बन सेम हो, जैसे इससे पहले वाला एग्जांपल याद आ रहा है किसी को, एक हमने चेन सेलेक्ट किया था तो उसमें 4 थे और एक में था हमारे पास कार्बन एटम 5, तो हमने कौन सी चेन सेलेक्ट किया, 5 कार्बन वाला। बट इस वाले अगर कंपाउंड में देखें तो इसमें दो चेन पॉसिबल है, एक्चुअली इसमें और भी चेन पॉसिबल है, समझ में नहीं बात कौन सी, ये वाली भी इस तरह से, फिलहाल इसकी बात नहीं करते। तो हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड आ गया जहां पे मोर देन वन चेन पॉसिबल है विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे कि यहाँ पे ये वाली चेन में भी जो स्टेट थी उसमें भी कितने कार्बन है, 7, और ये जो हमने रेड वाला लिया है मेन चेन इसमें भी कार्बन कितने, 7। तो अगर इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास डेवलप होता है तो अकॉर्डिंग टू IUPAC फिर कौन सी मेन चेन सेलेक्ट करेंगे, तो IUPAC ने एक सेकंड रूल यहाँ पे डिफाइन किया है क्या, कि विच दैट चेन इज सेलेक्टेड विच कंटेन मोर सब्सिक्वेंट, विच कंटेन मोर सब्सिक्वेंट। तो रेड वाली अगर हमने मेन चेन कंसिडर किया है ये वाली, तो इसमें देखो इसमें कितने सब्सिक्वेंट है, तो इसमें सिर्फ हमारे पास एक सब्सिक्वेंट है, कौन सा, मैं इसको रफ कर रहा हूं थोड़ा सा ना, अगर ये आपने मेन चेन सेलेक्ट किया है तो इसमें 7 कार्बन तो है, 7 कार्बन तो है, बट इसमें देखो सब्सिट्यूएंट कितना है सिर्फ बेटा, ये कंप्लीटली ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें सिर्फ इसको सिंगल सब्सिट्यूएंट आप डिनोट करेंगे ये वाला पार्ट को, ये कंप्लीटली सिर्फ सिंगल क्या है, सब्सिट्यूएंट है। तो किसी को वो मेमोराइज कर पा रहे थोड़ा सा, कि जो फर्स्ट स्टेट चेन थी हमारे पास 7 कार्बन थे और 2 सब्सिट्यूएंट थे, बट अगर हमारे पास ये वाली मेन चेन सेलेक्ट किया है तो कार्बन तो इसमें भी 7 है, बट इसमें सब्सिट्यूएंट कितना मिला, सिर्फ 1 मिला, समझा, ये वाला कंप्लीटली। तो अगर मेन चेन में कार्बन सेम होते हैं उसमें भी 7 इसमें भी 7, तो फिर कौन सी मेन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ सब्सिट्यूएंट ज्यादा हो, तो ज्यादा सब्सिट्यूएंट किसमें है, 2, 2 किसमें थे, जो इनिशियली मेन चेन है, कौन सी वाली, ये वाली, देखिए इसमें ये वाला भी सब्सिट्यूएंट है और ये भी क्या है, सब्सिट्यूएंट है, ठीक है। जैसे कि कुछ और एग्जांपल लेते हैं अभी इसी से रिलेटेड, टोटल टाइम ऐसे हो चुका है तो नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करें आप, आपको यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी चैट बॉक्स में, ठीक है। एक काम करो ना, ज्वाइन करने में हो सकता है टाइम लग जाए आपको, तो इस कंपाउंड में मेन चेन सेलेक्ट भी करो फिर, बस आपको बताना है कि मेन चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और फॉर्मूला लिखा बनाया मैंने, ठीक है, इसका आंसर करके नेक्स्ट सेशन ज्वाइन कीजिए आप। किसी का आंसर आया है हमारे पास, मैं आंसर बोलता नहीं हूँ ना, बाकी स्टूडेंट फिर करेंगे नहीं, वैसे करेक्ट आंसर है हर्षवर्धन, कुणाल, संभव का भी करेक्ट आंसर है,